नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आगरा यूनिवर्सिटी से BA, BSc, BCom या कोई और कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे ये कॉलेज। यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट जारी की है कि कौन कौन से कॉलेज परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्यों नहीं भर पाएंगे, क्या कारण है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें और कौन कौन से कॉलेज इस लिस्ट में शामिल हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं बकाया फीस 184 कॉलेज में परीक्षा फॉर्म भरने पर लगी रोक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के संबंध 184 कॉलेज ने सत्र 2021-22 की परीक्षा फीस जमा नहीं की है। 6.30 मतलब 6.5 करोड़ के करीब बकाया फीस है। ऐसे कॉलेज की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी गई है, आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। यहाँ के छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म भरने पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि बकाया फीस जमा करने पर ही परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति मिलेगी या दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ओम प्रकाश ने संबंधित कॉलेज के प्राचार्य व निदेशकों को स्मरण पत्र मतलब रिमाइंडर भेजा है। विश्वविद्यालय प्रशासन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक द्वितीय सत्र की परीक्षा का परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। बकाया फीस वाले कॉलेज की संख्या अधिक होने से प्रक्रिया में देरी हुई है। तय हुआ है कि जिन कॉलेज की फीस जमा है उन्हीं के परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया खोली जाएगी। जारी सूची के मुताबिक 184 कॉलेज के 30,817 छात्र छात्राओं की परीक्षा बकाया है। ऐसे में आगरा और अलीगढ़ मंडल के सभी जिलों के कॉलेज हैं। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 4 लाख रुपए से अधिक फीस बकाया है। परीक्षा नियंत्रक ने पत्र में कहा है कि फीस जमा ना करने की स्थिति में यदि छात्र छात्राओं का परीक्षा फॉर्म से वंचित रहते हैं इसके संबंधित कॉलेज जिम्मेदार रहेगा। मतलब अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने से रहता है या फॉर्म भरने से रहता है तो उसका जिम्मेदार केवल कॉलेज ही रहेगा, यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। आप देख सकते हैं 6.30 करोड़ के करीब फीस बकाया है सभी कॉलेजों पर, और कौन कौन से कॉलेज इस लिस्ट में शामिल है उस पर भी हम चर्चा। यूनिवर्सिटी ने ये पूरा नोटिस जारी किया है, ये लिस्ट पूरी जारी की है, आप देख सकते हैं। विश्वविद्यालय के संबंध समस्त महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि एजेंसी 2015-22 द्वारा महाविद्यालय के बकाया परीक्षा शुल्क की सूची उपलब्ध कराई है, जिसमें सत्र 2021-22 की परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अभी तक जमा नहीं करा पाया है। यह तत्काल परीक्षा शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें। बकाया परीक्षा शुल्क न जमा करने की दशा में महाविद्यालय के परीक्षा फॉर्म पूरित करने की संभावना नहीं होगी। छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म सम्मिलित से वंचित रहने पर समस्त उत्तरदायी महाविद्यालय रहेगा, मतलब आपका कॉलेज ही जिम्मेदार रहेगा। और कॉलेज की पूरी लिस्ट इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा उल्टा सीधा आया है। इसमें कॉलेज की फीस, स्टूडेंट कितने स्टूडेंट की बकाया है, और कॉलेज का नाम दे रखा है इसमें, और इसमें कोड भी दे रखा है और किस जगह का है आप देख सकते हैं। यहाँ सिटी का नाम भी दे रखा है, एटा, मथुरा, आगरा, हाथरस, सब कुछ दे रखे हैं। कोड दे रखा है, इसमें कोड दे रखा है, ये कॉलेज का नाम है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं एडजस्ट करके, क्योंकि इसमें तो ऐसे ही आएगा। आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे तो आपको ये नोटिस मिल जाएगा, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी, और हम टेलीग्राम में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, वहाँ न्यूज़ कटिंग और भी ऐसी कई कटिंग डलती रहती है वहाँ पे, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप देख सकते हैं 6.30 लाख 71,390 रुपये फीस जमा नहीं हुई है और 30,817 स्टूडेंट हैं, ये पूरी लिस्ट है। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।